बिना हासिल वाली जमा। बिना हासिल वाली जमा का रूल क्या है? वही, दोनों की जमा होने के बाद कोई भी जवाब जो है वो हासिल वाला नहीं बनना चाहिए। पांच में से पांच और दो की जमा करेंगे तो कितना आएगा? सात। पांच और दो सात, छः और तीन नौ। यानी जमा हमारी एक हिंसी ही होनी चाहिए, यानी जीरो से लेकर एक तक ही नंबर मिलने चाहिए। ज़्यादा नंबर यानी एक से लेकर नौ तक ही नंबर होने चाहिए। जीरो से लेके नौ तक ही डिजिट नंबर मिलने चाहिए, एक हिंसी अददी मिलना चाहिए जमा होने के बाद, तो होगी हासिल वाली। बिना हासिल वाली जमा, अब हासिल वाली जमा में क्या है रूल? हासिल वाली जमा का रूल ये है कि दोनों को हिंसों को जमा करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हासिल में आएगा। सात, पाँच और सात कितना होगा? हाँ, बारह का एक आया हासिल बन के, है ना। यहाँ पे सात और सात चौदह, है ना, सात है ना, ये सात और ये इधर मिला दिए तो हाँ चौदह हो गया। चौदह हासिल है एक, नौ और एक दस, दस और सात पूरा सत्रह उतारेंगे, क्योंकि आगे कुछ और नंबर नहीं जिधर हम हासिल ले जाके रखें। एक हज़ार सात सौ बयालीस, यहाँ पर क्या आएगा? नौ सौ, नौ सौ सतहत्तर, यहाँ पर क्या आएगा? चार सौ छप्पन। समझ में आ गया सब?